हमने भाग कर शादी करी थी, आर्ट हो, इंटरकास्ट मैरिज है, एक कैजुअल फ्रेंड होते थे, ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, हम नीचे, हमारी लड़ाई हो गई थी, मतलब मेरा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है और मैं और एमू उठ गए हैं। एमू को भाई अभी फीवर है, अभी जस्ट इसको दवाई दी है। हाँ जी, ये कह रहा है सामने फोन रखा है, इसको चला दो। सुनो, बात करो सबसे, बताओ तबीयत कैसी है आपकी, तबीयत कैसी है बताओ एक बार। अभी हम कुछ खाना खाने की कोशिश कर रहे थे बट हमने नहीं खाया, तो इसलिए हम ऐसे इस तरीके से बैठे हुए हैं बहुत गुस्से में कि हमको खाना क्यों खिलाया जा रहा है। जब से इसको बुखार हुआ ना, मैं और मित्तू ना दोनों शिफ्टों में सो रहे हैं, खाना भी ऐसे ही खा रहे हैं जैसे अभी मैं खा रही हूँ, तो मित्तू इसको रख रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। तो ये है अपना खाना और ये है अपना सलाद और ये आगे अपने घर की लस्सी। एमो को सुला दिया है, यहाँ पे सोने लग रहा है खाना खा के। तो मैं जा रही हूँ एक बार मम्मी के पास, क्योंकि एमी को सुबह दवाई दे दी थी और उसको अभी दूध वूध पिला के उसको खिला के, बहुत अच्छे से तो नहीं खा रहा है बट हाँ खा रहा है, और बुखार तो आ रहा है पर यह है कि जो दो दिन पिछले दिन रहा ना उससे बेटर है, मतलब कम आ रहा है। तो मैं दो तीन घंटे सोच रही हूँ मम्मी के पास होया हूँ, क्योंकि अगर एक बंदा पूरा ध्यान रखेगा ना, मुझे पता है मेरा हाल वो हो जाता था, मम्मी थक जाती थी, ऐसा ना हो कहीं मम्मी को भी फीवर हो जाए और फिर दोनों साइड सिचुएशन ख़राब हो जाए। और मौसम इतना ख़तरनाक हो रखा है, बिल्कुल ऐसे बारिश आने वाली हो रही है, बिल्कुल कभी भी आ सकती है। तो मम्मी से मिलने आ गए और अरे अरे नंगू नंगू पतंगू, वही नंगू बेटी, और ये चच्चा बच्चा हमारे दोनों सर लाग रहे हैं, ये देखो इसको ना के मैंने थोड़ा बहुत खिलाया, इनसे नहीं खा रहा, और ये देखो क्या करके लेके आया, मम्मी बिना चुन्नी के बैठी थी, ले अंदर कमरे में गया है, घिसड़ाता हुआ वहां तो चुन्नी लेके आया है, है? बास खा दी देख मेरे ना अपना भी सोने लग रही थी, अभी उठी है तो उसके लिए ना दलिया जो है ना बना रखा था मम्मी ने, उसको जो है अपना गरम करके दूध वूध मिला के वो दे रही है उसको। गाना चल रहा है, डांस करके दिखा, करे हाँ करो। यहाँ बना रही हूँ मम्मी पापा के लिए कॉफी। इसको ना इतनी बार बोला बेटा किचन में मत आ अगर गर्मी है, पर मैं आ रही हूँ ना तो मेरे पीछे पीछे रुकेगा नहीं, किचन में ही आना है। क्या हाय बोल दे सबको, राम राम कर दे, एली हाय मेरे बेटा। और ये भी उठ गया, ये भी उठ गया, ये भी अभी खेली खेली करेगी, है ना लड्डू, है ना बिट्टू, अले 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 अले। तो अभी मेरे बेटे को कुछ खिलाया है बुआ ने, जूस निकालना था वो पिलाया है ना, अब बुआ जाएगी, बस दो तीन घंटे के लिए आई थी, है ना, बाय करो बाय। ये देखो मेरी बिटिया को सोने लग रही है नींद में, इसको दूध पिलाया अभी, है अमी भैया से कब मिलेगी, है कब मिलेगी भाई, आँख खोल ली देख, आँख खोल ली, कितनी कितनी तेज है देख, आँख खोल ली, अरे खेल, इसको ये है कि खेलना है अपनी बुआ के साथ, दे आँख नीच रही थी आँख खोल गई। मैं मुंह ना लगाता, बाय लड्डू, बाय मेरे बिट्टू। इतनी सुंदर बिटिया है क्या मेरी, यहाँ बैठी हुई है, ओहो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, तो आप सोच रहे होंगे कि हम दोनों साथ में कैसे बैठे हुए हैं, है ना, साथ तो, में नहीं, पति पत्नी है साथ में नहीं बैठे, अरे साथ बैठे में, मतलब व्लॉग में हमेशा मैं या तो ऐसे करके शूट कर रही होती हूँ या आप कर रहे होते हो, तो साथ का मतलब ये है कि एक साथ कैसे बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे आप लोगों के सवालों का जवाब देना चाह रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ये वीडियो करा था तो उस टाइम शायद मेरे 6 लाख या 7 लाख के करीब थे, तो बहुत कम सब्सक्राइबर थे, अभी हमारी जो फैमिली है वो 1 मिलियन प्लस हो चुकी है। तो हमें सोचा कि आप लोगों के इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो क्यों ना उनका आंसर किया जाए, ताकि आप लोगों को भी इजीली रहे फिर डेली व्लॉग देखना, ताकि हमारी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता चलती रहे। तो मेन जो आप लोगों के क्वेश्चन थे वो थे हमारी शादी कि आप लोगों की लव मैरिज है, हमने लास्ट अभी शायद 10-12 दिन पहले एक ब्लॉग डाला था कि हमने भाग कर शादी करी थी ऐसे कुछ करके, तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चन, मतलब वो हमने बनाया था
किसी सब्सक्राइबर का ही किसी का कमेंट आया हुआ था कि आप लोगों ने भागकर शादी करी है, बता क्यों नहीं रही, फलाना डिमका ये वो पता नहीं क्या क्या बातें। तो फिर उसको लेके हमने एक्सप्लेनेशन दिया था, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ गए कि जो नए सब्सक्राइबर हैं, आपकी शादी कब हुई थी, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, आपकी मतलब आप पंजाबी हो, जाट हो, इंटरकास्ट मैरिज है, क्या है कैसे है। तो मुझे लगा क्यों ना इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, थोड़ा ही लंबे में मतलब आपको बता देंगे, शॉर्ट फॉर्म करके बता देंगे आपको। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, इंट्रोडक्शन इन्होंने 2 मिनट का दे दिया और फिर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म करके बता देंगे। तो वो एक बार एक्सप्लेनेशन तो देनी थी ना, शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत शुरू से की जाए। शुरुआत करते हैं कि हम पहली बार कब मिले थे, बताओ जी हम पहली बार कब मिले थे। हम पहली बार मिले थे 2019 में, लॉकडाउन लगा था ना। हाँ, 2019 में। नहीं वो तो हम शादी हुई मतलब हमारी जो रोका वगैरह हुआ उस टाइम की बात, उससे पहले हम पहले से कब से जानते हैं हम एक दूसरे, पहले से तो 2012-13 से जानते हुए शायद 2013 से हम जानते हैं, पर हम एक कैजुअल फ्रेंड होते थे उस टाइम, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन नहीं था हमारा, हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे। और बट हमें जब तक एक तो शायद कम एज थी मेरी भी और इनकी भी, तो इतना दिमाग में वो फोकस नहीं था कि शादी करनी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, इनका भी कैरियर की तरफ फोकस था और मेरा भी, मतलब जॉब में बिजी थे अपने अपने। तो और हमारा ना 8-9 बंदों का ग्रुप होता था सबका, ऐसा नहीं है कि अकेले ही हम दोनों थे। तो एक मतलब पीजी था, उस ये ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, हम नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, बट हमारा बहुत अच्छा सर्कल बन गया था। बट उस टाइम हम नॉर्मल फ्रेंड थे, फिर हमारी किसी बात को लेके इन्होंने खाली कर दिया था 2014 में इन्होंने खाली कर दिया, 15 में मैंने खाली कर दिया था वहां से। और फिर मतलब वो भी किस बात पे हमारी लड़ाई हो गई थी, मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत बड़ा मेरे पैर वैर पे, और ये जो यहाँ पे ये जो चोट लगी हुई ना यहाँ पे, हमारे एक कॉमन फ्रेंड है उसकी शादी में जा रहे थे और मैं ड्राइव कर रही थी, मेरा हो गया एक्सीडेंट। और उससे पहले हमारी मतलब क्या है ना, आपस में फ्रेंड मेरे मतलब मैं सुन नहीं सकती, और ये थोड़ा सामने कम एक्सप्रेस करते हैं, ये नाराजगी ज्यादा दिखाते हैं। तो मैंने कुछ बोल दिया, ये नाराज हो गए, फिर इन्होंने मतलब क्या है ना, हमारी अनबन हो गई, लड़ाई हो गई, उसके बाद हम दोनों ने आपस में बात ही नहीं करी। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे ये उम्मीद थी कि मेरा बढ़िया फ्रेंड है तो मेरे से मिलने आएगा, मेरा हालचाल पूछेगा। उस ग्रुप में हम जितने जने थे 8-10-12 जने, सब मिलने आए, सब ने हालचाल पूछा, सिंगल ये बंदा, इसने मेरे से ये नहीं पूछा कि मतलब कैसे लगी, क्या हुआ, ये वो, मतलब होता है ना कि चाहे यार दुश्मन भी हो तो मिलना तो चाहिए ना, ऐसे बेकार लगता है, गलत फीलिंग होती है वो, है ना। तो तब से मैं ना इससे ऐसे चिढ़ने लगी जैसे मेरे दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया मेरे लिए। अच्छा। फिर उसके बाद मैं मतलब ये अपने जॉब में बिजी, मैं अपने जॉब में बिजी 2018 में, फिर मैं दुबई चली गई। उसके बाद फिर 2019 में हमारी मुलाकात हुई मेरे भाई के थ्रू, क्योंकि मेरे भाई भी जैसे मेरे पास आते रहते थे ना, तो वो भी जानते थे कि हमारे फ्रेंड सर्कल में ये है, और भी जो 2-4 हमारे फ्रेंड थे उनको भी जानते थे। तो उसके थ्रू मेरी बात हुई कि अरे तू तेरे उन फ्रेंडों को जानती जैसे मैं आई हुई थी, तो मैंने कहा करे मेरी तो भी बात होती है, बात हुई। तो मैं इसको बोल रही, मैंने कहा यार तो मतलब शादी वादी तूने कर ली नहीं कर ली, तो ये अपनी बड़ी बड़ी फेंक रहा मेरी गर्लफ्रेंड फलाना दिकड़ा ये वो, मतलब हंसी मजाक में लड़के बोलते ना लड़कियों के आगे अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अरे मेरी तो है, मेरी तो फलाने दिकड़े, मैंने बेरा कुछ ना है वे तूने शादी कर ली, मैंने कहा नहीं, देख रहे अभी घर वाले ये वो, तुम क्या खाली फ्रूट खाने के लिए बैठे हो, जवाब दो तुम भी किसी बात का। तो आगे की स्टोरी ये बताएंगे क्या थी। शादी से रिलेटेड चल रही थी ना जब बात हुई कि तुमने शादी कर ली क्या, मैंने शादी। अच्छा, और दूसरी चीज मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मुझे ये नहीं पता था ये जाट है। इतना बड़ा मजाक नहीं पता था मुझे, मतलब कि आप और मैं मतलब दोनों मतलब शादी करते तो भाई तुम कोई जाट भाग के शादी नहीं है, एक ना कोर्ट मैरिज है ना और कुछ है, नॉर्मल वे में मतलब ये था कि फिर बाद में ऐसे ही बात हो रही थी, तो भाई फिर घर वालों को बता दिया कि भाई ऐसी लड़की है, क्योंकि देख इधर मेरे लिए भी देख रहे थे, इनके लिए भी देख रहे थे, तो फिर कास्ट वगैरह मैच करके देखी, और जो सबसे मेन अपने होता है हरियाणा में गोत्र वगैरह नाम वो मिलाना, और वो सारी राम मिलाई जोड़ी थी बेसिकली, हमारी लोग ऐसे बोलते हैं कि स्पेशली मेरे लिए कमेंट आया ये है कि मुझे लगा आप राणा हो तो आप जाट नहीं हो, तो वे रोहतक दौरा पक्कसमा गांव है उसमें सारे जाट है, 14 राणा मारा गोत है, तो एक बार जाकर पता कर लिए थारी को रिश्ते थे। एक दो के कमेंट आ रहे थे आपके गांव के गैली के, कह रही जब आपकी शादी हुई ना आपको देखा तो मुझे भी लगा कि ना इंटरकास्ट मैरिज है,
और ऐसे सुनने में आया था। तो जो भी आप पड़ोसी हो गैली के या जो भी हो, जिससे भी आपने सुना हो, जिससे भी, तो एक बार अपना डाउट क्लियर कर लेना। मैं दोबारा बता दूं, पक्कस मगाओ, मैं जाटर चौदह राणा असली जाटनी हूँ, ठीक है? पता कर ली जिससे तभी, ठीक है? गुस्सा होता था मैंने सुन गया बात। क्या हुआ कि मतलब गोत्र वगैरह मिलाए, वो सारी चीजें मिलाए, इनको देखने के लिए गए जो घर। मैं तो देखते ही मम्मी पूरी सेट करती, एक बार देखते ही सिद्धि मार गई, पापा द्वारा फोन पक्की कर दूंगे, बढ़िया लगी। इधर तो ये पूरा एक्साइटेड, ऊपर का पूरा ये एक्साइटेड, थोड़ा सा अगर ऐसे बोलोगे ना तो ऐसा करेंगे, ये वाली वीडियो ना ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, मेन मेन आप लोगों को बता दिया, बट जो आगे का प्रोसीजर है, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आप इंटरेस्टेड है ना तो सासुमा के साथ और विद फोटो अटैच कर देंगे साइड में। क्या फीलिंग थी, कौन कहाँ था, कहाँ से कोऑर्डिनेशन हुआ था, सारी चीजें बताएंगे। और सारी चीजें फोटोग्राफ्स भी हमारे साथ में, जब पहली बार मिले थे 2019 में, तब की फोटो भी हमारे पास। हाँ। फिर उसके बाद ये भी है, सारी फोटोज है हमारे पास में। तो उस टाइम तो वीडियो तो नहीं बनाते थे, बट फोटोज लगाते रहेंगे साथ के साथ। तो जरूर आप बताना कमेंट करके, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो हम जरूर शेयर। और भी अगर ब्रीफ में चाहिए, एक एक मोमेंट की बतानी हो, तो मैं बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग करता हूँ, आपको पता है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से। कितनी बार हम मिले, हमने कितनी डेट करी, क्या क्या हम लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, मतलब बहुत सारी चीजें करने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो गए ना तो हम जरूर शेयर करेंगे। और आज का जो डे था ना, मतलब ऐसा था कि एमी की आपको पता है तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, तो डेली वो चीज दिखाना, मतलब कि हाय ये बीमार हो गया, हाय ये बीमार हो गया, तो मुझे भी थोड़ा बोरिंग लगता है और आप लोगों को भी बोरिंग लगता है। वो अभी ठीक, आज उसको सुबह से दो बार आया, दवाई दे दी, खाने खिला दे, अपने दादा दादी के पास खेल रहा है, उधर भी होया ही, मैं 3-4 घंटे उधर भी होया ही, मम्मी को भी थोड़ी हेल्प मिल गई, फिर ये भी उठ गया था, तो मम्मी का कॉल आ गया, रुक नहीं रहा था, आके इसका थोड़ा देखा और अब फ्री थी, तो मुझे लगा चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। तो अगर आप बोलोगे तो इसका यहाँ पार्ट टू हम जल्दी ले आएंगे, बता देना ब्रीफ में, पूरी ब्रीफ में दिखाई होगी फिर वो, ये देख लेना। तो चलिए, आज का यही था कि आप लोग क्वेश्चन आ रहे थे, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, भाग के शादी करी है, मतलब के है, इसे जो है ना इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं, रोक देते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 8 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अगला जो रहेगा ना, उसमें फिर हम और आगे की डिटेल, मतलब ये हमने बता दी रोके तक की, आपको उससे आगे क्या क्या दिक्कत आई, नेक्स्ट वो सारी चीजें शेयर करेंगे। बाय बाय।